यस स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। बेटा आज हम आपको जो समझाएंगे परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न बुक के बारे में। कि क्वेश्चन में जो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न बुक है ये कैसे बनाई जाती है, आपकी परचेज रिटर्न सेल रिटर्न में क्वेश्चन में बुक कैसे बनती है आपकी, क्योंकि सेल से कोई विशेष क्वेश्चन है ही नहीं इसके अंदर कोई। तो रिटर्न बुक समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान देके चलना। रिटर्न एक होती है परचेज रिटर्न बुक, एक होती है सेल रिटर्न बुक। इनकी पहचान क्या है? सेल रिटर्न बुक का जो क्वेश्चन होगा वो या तो डायरेक्ट होगा या उसमें बाई आएगा या इसमें फ्रॉम आएगा, और परचेज रिटर्न वाले क्वेश्चन के अंदर आएगा हमारा टू। रिटर्न टू तो परचेज रिटर्न होगी, रिटर्न बाय सेल रिटर्न होगी, रिटर्न फ्रॉम सेल रिटर्न होगी, डायरेक्ट हेमंत रिटर्न्स। तो ये जो पहचान होती है हमारी ये सेल रिटर्न बुक की होती है हमारी। तो परचेज रिटर्न सेल रिटर्न बुक का क्वेश्चन अगर सेपरेट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समस्या कब आती है क्वेश्चन के अंदर कि अगर परचेज रिटर्न सेल रिटर्न बुक का क्वेश्चन दोनों कंबाइन आ जाए, एक ही क्वेश्चन के अंदर परचेज रिटर्न भी हो और सेल रिटर्न भी हो, तो कुछ भी समस्या तो पहचानना पड़ता कि कौन सी ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न की है और कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी सेल रिटर्न की है। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये बताया इसमें, प्रिपेयर रिटर्न इनवर्ड बुक यानी सेल रिटर्न बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक यानी परचेज रिटर्न बुक ऑफ मनोज मुंबई फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो इन्होंने परचेज रिटर्न सेल रिटर्न बुक बनाने के लिए हमसे क्वेश्चन में क्या रखा है इन्होंने, क्वेश्चन में हम दोनों को इकट्ठे से लेके चलेंगे। इधर परचेज रिटर्न ले लेते हैं, इधर सेल रिटर्न ले लेते हैं। तो हम लेके चल रहे हैं परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। तो इसके अंदर सबसे पहला है कि डेट, पर्टिकुलर्स एलएफ, डिटेल्स अमाउंट, यहां पर आएगी सेल्स रिटर्न बुक। डेट, पर्टिकुलर्स एलएफ, डिटेल्स और अमाउंट। सबसे पहला है क्वेश्चन में डेट, फिर आया पर्टिकुलर्स, इसमें एक्सपेंस कुछ नहीं दे रखा, डिटेल्स और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एलएफ, डिटेल्स और अमाउंट। तो क्वेश्चन में परचेज रिटर्न सेल रिटर्न दोनों को क्वेश्चन में कंबाइन लेके चल रहे हैं। देखते हैं चलो, सबसे पहले क्वेश्चन बताया इसमें उन्होंने, मार्च ए मर्था ब्रदर्स न्यू दिल्ली रिटर्न, इसमें टू है ना बाय ना फ्रॉम, कुछ नहीं है डायरेक्ट है, तो मीन्स ये सेल रिटर्न है। तो तारीख मार्च एक, मार्च एक मथुरा ब्रदर्स, सॉरी माथुर ब्रदर्स न्यू दिल्ली, क्या रिटर्न किया है उन्होंने, फाइव पेयर ऑफ शू, फाइव पेयर ऑफ शू, क्या वापस किया उन्होंने, फाइव पेयर ऑफ शू और पर पेयर 2000 पर फेयर, 5 इंटू 2 10000,
रेट डिस्काउंट 10% माइनस रेट डिस्काउंट 10%, 10,000 का 10% आ गया 1,000 और माइनस हो गया अमाउंट आउट ऑफ कॉलम में आपकी 9,000 रुपये। तो ये आ गया आपका। फिर रिटर्न टू कानपुर रहता प्राइवेट लिमिटेड, रिटर्न टू, टू मीन्स सेल रिटर्न, सॉरी परचेज रिटर्न, तो ये यहाँ पर आएगा। तारीख दे रखी है मार्च पाँच। तो ये बता रिटर्न टू कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड, क्या वापस किया 100 pair of chappals, 100 pair of chappal, कितना का पर पीस क्वेश्चन 300 रुपये है, 300 × 300 30,000 और ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है इसमें 15% माइनस ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन में 15% 15 × 45 ये आ गया 4500 और 30,000 में 45 घटा के ये आ गया 25,500। तो ये आ गया आपका परचेज रिटर्न। आगे चले, फिर बता बलूजा शू कंपनी मुंबई, रिटर्न डायरेक्ट दे रखा है मीन सेल रिटर्न है 12 pair of ladies chappal सोल्ड टू देम 4,000 per pair बलूजा शू कंपनी। तारीख है मार्च की 12, बलूजा शू कंपनी मुंबई, वापस क्या किया गया है 12 pair of ladies chappal 12 pair of ladies chappal पर पीस बताया इसमें इन्होंने 4,000, 12 × 4 48,000 और ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस ट्रेड डिस्काउंट बताया 10% ये आ गया 4,800 43,200 ये आ गई हमारी बलूचिस्तान कंपनी की वापसी। फिर क्वेश्चन में दे रखा है इसमें इन्होंने मार्च 20 तारीख रिटर्न टू बाटा शू प्राइवेट, रिटर्न टू मीन्स परचेज रिटर्न, तो मार्च की 20 तारीख रिटर्न टू मीन्स दे रखा है बाटा शू कंपनी को, तो ये बताया बाटा शू प्राइवेट लिमिटेड, क्या वापस किया है इन्हें, वापस किया 100 pair of BSC shoes 100 pair of BSC shoe पर पेयर है हमारा 500 रुपये का, 100 × 500 50,000 और क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दे रखा 15% ये आ गया 7,500 और माइनस करके आ गया 42,500। इस तरह क्वेश्चन चार ट्रांजिशन दे रखी है, जो परचेज रिटर्न के परचेज रिटर्न में आ गई, जो सेल रिटर्न के सेल रिटर्न में आ गई, क्वेश्चन में इनका टोटल करना, तो क्वेश्चन में इनका टोटल करना। टोटल कर दिया 3,050 × 7,08 और 4,068,000। तो ये तो हो गया आपका परचेज रिटर्न, टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट।
ऐसे ही वहां पर फिफ्टी टू टू हंड्रेड ये बस डन आउट ऑफ दीजिए फिफ्टी टू टू हंड्रेड ये आ गया टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो क्वेश्चन के अंदर ये आपका परचेज रिटर्न बुक होगी, साइड में सेल रिटर्न बुक होगी। याद रखे चला एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें क्वेश्चन में चारों बुक बनाने के लिए एक ही क्वेश्चन में चारों की इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, परचेज की भी, सेल की भी, परचेज रिटर्न की भी और सेल रिटर्न की भी। उस जैसे मैंने दो बुक बनाई है ऐसे उस क्वेश्चन में आपकी चार बुक बनेंगी, परचेज की अलग, सेल की अलग, परचेज रिटर्न अलग, सेल रिटर्न अलग। चारों इन्फॉर्मेशन को ट्रेस करके क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन जिस बुक से रिलेटेड है उस बुक में उसको शो करते हुए चले जाएंगे। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में आता नहीं है, बस यही बुक बनाने के लिए आती है। तो चैप्टर आपका जो ओवर होता है कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, थैंक यू।